हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका जीरो ऑयल कुकिंग रेसिपीज में। आज हम लोग जीरो ऑयल कुकिंग में भिंडी की सब्जी बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने भिंडी को अच्छे से धो करके इसे इस छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और चलिए हम भिंडी की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे इस जीरे को सेकना होगा और मैं इस जीरे को सेक लेती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें से सिकने की आवाज आ रही है, मतलब कि हमारा जो ये जीरा है वो सिक चुका है। और अब हमें इसमें प्याज और लहसुन को ड्राई रोस्ट करना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें प्याज और जो लहसुन है उसे डाल दिया है और अब मैं इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। चलिए इसे मैं 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 2 मिनट में हमारा ये प्याज और लहसुन जो है वो ड्राई रोस्ट हो चुका है। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे और इस प्याज और लहसुन को पकाएंगे। और ये प्रोसेस हमें जब तक करना है जब तक कि हमारा प्याज अच्छे से पक ना जाए। चलिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल देती हूँ और इसे प्याज को अच्छे से पका लेती हूँ और उसके बाद आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज अच्छे से पक चुके हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, प्याज का कलर एकदम चेंज हो गया है। और अब मैं इस टाइम पर इसमें हरी मिर्ची और अदरक डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने हरी मिर्ची और अदरक डाल दिया है, साथ ही इसमें मैं टमाटो प्योरे डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें टमाटो प्योरे डाल दिया है और अब इसे अच्छे से पका लेती हूँ, अच्छे से चला देती हूँ। साथ ही इस टाइम पर मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। चलिए हम लोग इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, जीरा पाउडर डाल रही हूँ, हरा धनिया पाउडर डाल रही हूँ, गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ और अब मैं हल्दी डाल रही हूँ। साथ ही अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। ये मैंने इसमें नमक डाल दिया है, अब मैं इसे चला देती हूँ। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब मैं इसे 2 मिनट के लिए पकाऊंगी और उसके बाद इसमें मैं भिंडी डालूंगी। उससे पहले इसमें मैंने ये कसूरी मेथी डाला है और इसे चला देती हूँ। चलिए इसे 2 मिनट के लिए मैं पकने देती हूँ और उसके बाद हम इसमें भिंडी डालेंगे। और मैं जैसा कि हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मसाला चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं इस तरीके से और फिर इसे पका सकते हैं। और ये प्रोसेस आपको जब तक करना है जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से पक ना जाए। बट अभी हमें भिंडी की सब्जी में केवल ये 2 मिनट पकाना है और उसके बाद हमें इस मसाले में भिंडी डालनी है। चलिए मैं इसे पकने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 2 मिनट बाद हमारा मसाला इस तरीके का हो जाएगा और अब मैं इसमें फटाफट से भिंडी डाल देती हूँ और उसे पकने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें भिंडी डाल दी है और अब मैं इसे अच्छे से चला देती हूँ सारा मसाला, ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये मैंने इसमें सारा अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसे ढक करके इसे पका लेती हूँ। और वही बोलूँगी मैं आपसे कि अगर आपको लगता है कि आपका मसाला चिपक रहा है
तो उसमें आपको केवल 1 टीस्पून पानी डालना है, चलाना है और इसे पकाना है। चलिए अभी मैं इसे पकाती हूँ और आपको बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है और किस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें थोड़ा सा 1 नींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और फिर से इसे अच्छे से चला देती हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि भिंडी को आपको लगातार चलाते हुए पकाना होगा। चलिए अब मैं इसे बिल्कुल सिम गैस पर पकने के लिए रख देती हूँ और बीच बीच में मुझे इसे चेक करते रहना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारी भिंडी की सब्जी को। इसे बस लगातार आपको बीच बीच में चलाते हुए इस सब्जी को पकाना होगा, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का सा भी कहीं लिसलिसापन नहीं है भिंडी का। और अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि हमारी भिंडी जो है वो पकी है कि नहीं। ये देखिए अभी भी हल्की सी कसर इसमें बाकी है। तो चलिए इसे मैं बिना पानी डाले फिर से बिल्कुल सिम गैस पर 5 मिनट के लिए ढक करके फिर से पकाऊंगी और उसके बाद आपको बताती हूँ कि हमारी भिंडी 0 ऑयल कुकिंग में कैसी बन करके तैयार हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी भिंडी अब बन करके एकदम तैयार है। चलिए मैं इसे जल्दी से सर्विंग बोल में डालती हूँ और आपको बताती हूँ कि हमारी भिंडी जो है 0 ऑयल कुकिंग रेसिपी वो बनी कैसी है। चलिए तो फटाफट से मैं बोल में डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म 0 ऑयल भिंडी की सब्जी बनकर के तैयार है और देखने में ये जितनी टेस्टी लग रही है, यकीन मानिए ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।